हाय एवरीवन, तो जो आज का लेक्चर है वो एरिया ऑफ ट्राइंगल पे है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं अपन लोग, ठीक है। सो इसमें होता है कि आपको तीन पॉइंट्स गिवन होंगे, ए बी सी, x1 y1, x2 y2 और x3 y3। ये तीन कोऑर्डिनेट अगर आपको गिवन है तो जो आपका एरिया होता है बहुत सिंपल होता है। क्या होता है, x1 लिखा, ये x1 लिखा, फिर y2 - y3, इसके अलावा दो कोऑर्डिनेट है ना, y2 - y3 प्लस x2 लिखा, y3 - y1, y3 - y1 प्लस x3 लिखा, y1 - y2, y1 - y2, और इस पूरे का मॉड। मॉड मतलब पॉजिटिव वैल्यू, मतलब कहने का मतलब अगर अंदर मेरा एरिया नेगेटिव आ भी जाए ना तो आप उसको पॉजिटिव लोगे, ठीक है ना। आपका जो पहला क्वेश्चन हो सकता है वो ये हो सकता है कि सर अंदर एरिया नेगेटिव आएगा भी कैसे, भाई एरिया तो मेरा पॉजिटिव नहीं होता। हाँ, एरिया पॉजिटिव नहीं होता इसलिए तो मॉडुलस लगा है, ठीक है ना। और अंदर अगर एरिया नेगेटिव हो रहा है तो इसका एक ही कारण है कि अगर मैंने ट्राइंगल बनाया है तो जो ए बी सी का जो रोटेशन है वो मैंने एंटी क्लॉकवाइज ना लेके क्लॉकवाइज ले लिया, ये होता है एंटी क्लॉकवाइज, है ना। और मैंने जो पॉइंट्स लिए हैं वो ए बी सी ऐसे करके ले लिए, तो क्लॉकवाइज रोटेशन में अगर मैं पॉइंट को कंसीडर करता हूँ ए बी और सी को, तो मेरा अंदर का एरिया नेगेटिव आ जाता है। बाकी आपसे अगर ऐसे एंटी क्लॉकवाइज लोगे तो आपका पॉजिटिव आएगा, ठीक है। दूसरा प्रश्न, सर ये आया कैसे, सबसे भाई सबसे बेसिक ये आया ही कैसे, इतना बड़ा सर ये कैसे आ गया, है ना। ये भी देख लेते हैं अपन, ये बहुत सिंपल है एक्चुअली में। देखो मैं है ना एक्सिस बना लेता हूँ, ये मैंने बनाया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये मेरी एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। इस पे मैं पॉइंट चूज कर लेता हूँ, जैसे कि मैंने ए पिक किया, ये है मेरा x1 y1, ये ऐसे ही बी कोऑर्डिनेट है मेरा, ये क्या है x2 y2, और सेम यही ऐसा है मेरा सी x3 y3। होपफुली आपको दिख रहा हो, है ना, x1 y1 ऐसे करके, ये तीन पॉइंट्स बस ऐसे मान लिए मैंने, ठीक है। अभी इनको ज्वाइन कर लेता हूँ, ठीक है। अगर मैं इनको ज्वाइन करूँगा तो ये ऐसा कुछ दिखेगा, ये ए बी, ये बी सी और ये ए सी, ये सब कुछ, ठीक है। अब थोड़ा सा सोचो कि इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है, जब भी ऐसा कुछ करना होता है ना तो हम क्या करते हैं, इनको है ना ज्वाइन कर देते हैं मेरी एक्सिस से जो नीचे वाली है। अभी आप बोलोगे सर एक्स एक्सिस से ही ज्वाइन करना है, सर वाई एक्सिस से नहीं कर सकते क्या, बिल्कुल कर सकते हो बेटा। आप सेम प्रैक्टिकल कर सकते हो कि मैं वाई एक्सिस से ज्वाइन कर दूं फिर एरिया कैलकुलेट कर लो, वही आंसर आएगा, सेम आंसर आएगा, ठीक है। अब मैं अगर इनको पॉइंट को नाम दे दूं एल एम और एन, तो आप इसको देखो, आप इसको देखो ध्यान से कि जो मेरा ये लिखा हुआ है ए बी एल एम, ए बी एल एम, ये एक ट्रेपेजियम जैसा दिख रहा है, कैसा, ट्रेपेजियम जैसा, है ना। और मेरे को अगर ए बी सी ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो बहुत सिंपल है, ए बी एल एम ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम ए एम एन सी ट्रेपेजियम, ये दो ट्रेपेजियम का एरिया ऐड करूं तो ये पूरा फिगर आ जाएगा, और उसमें से नीचे वाले ट्रेपेजियम का माइनस कर दूं तो ये ऊपर वाला ट्राइंगल का आ जाएगा, है ना। सो दो ट्रेपेजियम का एरिया ऐड करूंगा और एक ट्रेपेजियम का एरिया घटाऊंगा। अब ट्रेपेजियम का एरिया होते ही क्या, सबसे पहली बात तो आप बोलोगे सर ट्रेपेजियम का एरिया, तो मैं बोलूंगा अरे बेटा ये तो आपको एटलीस्ट पता ही होना चाहिए, ठीक है। ये ए बी सी डी है, ये आपकी दो पैरेलल साइड है ना, इसको ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ, और ये इसके बीच की हाइट है एच, है ना। सो अगर आप इसका एरिया देखोगे तो एरिया क्या होता है, 1/2 हाइट और ए प्लस बी,
है ना, जो पैरेलल साइड होती है उनका सम डिवाइड बाय टू, एक्चुअली वन बाय टू मैंने बाहर लिख दिया है, ये टू जो होता है ना इस साइड के बीच में आता है, सो ए प्लस बी बाय टू इंटू हाइट, जो पैरेलल साइड के बीच की हाइट है वो, है ना। सो पैरेलल साइड कौन कौन सी है, ये है पैरेलल साइड और ये होगी इनके बीच की हाइट, ऐसा करके, ठीक है, ये होगी इनके बीच की हाइट, ठीक है, और ये वाली जो लेंथ होगी, ये वाली होंगी पैरेलल जो साइड है उनकी लेंथ, ठीक है, ये मेरे को पता है, ये पुट करूंगा और आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब बहुत सिंपल चीज है ना, फटाफट देख लेते हैं। आप देखो कि यहां से यहां तक की लेंथ x2 है भाई, ये कोऑर्डिनेट x2 है, तो यहां से यहां तक की लेंथ x2, ये x1 है, तो यहां से यहां तक की लेंथ x1, मतलब ये वाली लेंथ क्या होगी, x1 माइनस x2, सेम ये वाली लेंथ, ये कितनी होगी, ये x3 है, ये x1 है, तो ये होगा x3 माइनस x1, और सेम ये टोटल लेंथ आप निकालोगे तो आ जाएगी x3 माइनस x2, है ना, ये टोटल लेंथ x3 और ये x2, तो x3 माइनस x2 ये टोटल लेंथ हो गई, है ना। अब ये y2 है, मतलब इस पॉइंट से ये वाली पूरी हाइट, ये क्या है y2, इसको लिख लेता हूँ y2, सेम ये पूरी लेंथ, ये पूरी हाइट, ये कितनी होगी y1, ये क्या हो जाएगी y1, सेम ये वाली हो जाएगी y3। अब मेरे को सारी इन्फॉर्मेशन पता है, बस पुट करना है ना, तो इसको फटाफट लिख लेते हैं, इसको लिखना है इस तरीके से, जाओ ये थोड़ा चॉकलेटी वाला यूज़ करते हैं, सो जल्दी हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी की बात करूं तो सी सी बात है, ए बी एल एम प्लस ए एम एन सी और माइनस ये नीचे वाला, दैट इज बी एल एन सी, ये करना है, इन दो को ऐड करना है और उसमें से नीचे वाला घटाना है, तो ट्रायंगल का एरिया मिल जाएगा, ठीक है ना, है ना। सो अब ये ट्रेपेजियम का एरिया क्या होगा, ये ट्रेपेजियम का एरिया होगा, सबसे पहले अपन ने 1/2 लिखा था, इनके बीच की हाइट, हाइट मतलब दो पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस, ये दो पैरेलल साइड है, इनके बीच का डिस्टेंस दैट इज x1 माइनस x2, है ना, और उसके बाद में क्या ये हो गई, और इन दोनों का सम जो पैरेलल साइड है उन साइड का सम, तो y1 प्लस y2, ये आ गया y1 प्लस y2, फिर प्लस हाफ इस वाली का देखोगे सेम इस वाली का, सो ये आ जाएगा x3 माइनस x1 और दोनों साइड का सम दैट इज y1 प्लस y3। अब यहां पे ध्यान रखना है माइनस साइन है, माइनस साइन को मत भूलना, नहीं तो इसको प्लस ले लिया फिर से आपका आंसर गलत आएगा और आप बोलोगे सर आपने गलत किया है, ठीक है ना। सो इतना तो ये होगा आपका जो दो पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस दैट इज कितना, ये होगा x3 माइनस x2 और y2 प्लस y3, ठीक है, और चूंकि आपका एरिया पॉजिटिव होना चाहिए तो मॉड आएगा, तो मॉड अपन लास्ट में लगा लेंगे, अभी बार बार लगाने की जरूरत नहीं है। अब इसको लिखते चलता हूँ, सो 1/2 सब में से कॉमन है, बाहर लिख लिया है ना। अब आप देखो मेरे को लाना क्या है, मेरे को x1 लाना है, सबसे पहले मैं x1 x1 वाली टर्म लिख लेता हूँ, है ना। सो मैंने लिखा x1, अभी x1 के साथ में कौन सी टर्म आ रही है, x1 के साथ में आ रहा है y1 प्लस y2, है ना, और x1 के साथ में ये आ रहा है y1 प्लस y3 लेकिन माइनस साइन के साथ, तो ये माइनस y1 प्लस y3 ये आ गया, है ना, सेम प्लस ऐसे ही x2 वाला देखा, सो x2 वाला, अभी x2 में क्या आ रहा है, ये देखो दो माइनस साइन आ रहे हैं, है ना, सो ये माइनस साइन आ रहे हैं दोनों में, x2 और x2 में। अब देखो ये एक माइनस साइन है तो माइनस में अंदर ले जाता हूँ, सो ये कितना आया है माइनस साइन के साथ में y1 प्लस y2, है
है ना, लेकिन ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, सो ये अपना प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री रहेगा, ये हो गया है ना, और सेम अपना ऐसे ही एक्स ही होगा, ठीक है। सो एक्स ही मैं लिख लेता हूँ और फिर उसके बाद में आपको थोड़ा सा कैलकुलेट करके बता देता हूँ, ठीक है ना, ओके। हाँ सो यही अपना एक्स ही आया था, और उसके बाद में जब आप इसे सॉल्व करोगे, जैसे कि इसमें वाई वन माइनस वाई वन ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये वाई टू माइनस वाई थ्री आ गया, और जो मुझे चाहिए था है ना, सेम ये भी वाई थ्री माइनस वाई वन चाहिए था, ये देखो वाई थ्री माइनस वाई वन आ गया है ना, यहाँ से माइनस वाई टू, ये वाई टू है, ये माइनस वाई टू प्लस वाई टू कैंसिल हो गया, वाई थ्री माइनस वाई वन, और सेम यहाँ से रिजल्ट आया, तो ये आ गया अपना एरिया। अब चूंकि एरिया क्या होता है मेरा पॉजिटिव, इसलिए आप क्या लगा दोगे यहाँ पे मॉड, ठीक है। अब इसी में एक और नोट होता है क्या, कि अगर आपके तीनों पॉइंट कोलिनियर हुए, तीनों पॉइंट कोलिनियर हुए, तो आप बोल सकते हो कि एरिया क्या होगा, जीरो है ना। सो इफ ए बी सी आर कोलिनियर, तो क्या होगा आपका एरिया, कितना होगा एरिया इक्वल टू जीरो। और एक और नोट में और क्या चीजें हैं, कि अगर आप ए बी सी को क्लॉकवाइज लेते हो है ना, ए बी सी आर टेकन एज क्लॉकवाइज, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, आर टेकन एज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो एरिया आपका क्या आएगा, नेगेटिव, एज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसका मतलब क्या है, एरिया नेगेटिव आएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है ना। एरिया पॉजिटिव और नेगेटिव कब आता है, भाई सीधी सी बात है, यही बताया था ना आपको, कि अगर मैंने ए बी सी ऐसे एंटी क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव, से क्लॉकवाइज तो नेगेटिव, ठीक है। ये एरिया से रिलेटेड कुछ चीजें हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसके बाद में एक और चीज है, वो है, इसी में होता है एक स्टेयर्स मेथड, मतलब वो एरिया ऑफ ट्राइंगल नहीं है, वो जनरल एरिया है, मतलब एरिया ऑफ पॉलीगॉन, तो उसके बारे में और डिस्कस कर लेते हैं कि वो क्या होता है, ठीक है। उसको भी याद करने का तरीका बहुत सिंपल है, ठीक है ना। हाँ सो देखो, अभी एरिया ऑफ पॉलीगॉन, ये एक्चुअली मेथड का नाम तो लिखने ही भूल गया यार, इधर लिख लेते हैं अपन स्टेयर्स मेथड, आपकी मेथड का नाम क्या है, स्टेयर्स मेथड। सो स्टेयर्स मेथड कुछ नहीं है, बहुत इजी है, इससे मतलब याद रखने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, हाँ बहुत सिंपल है ना। अभी इस ये आपको कोई भी जनरल पॉलीगॉन का एरिया बताती है, ठीक है। अब पॉलीगॉन के नाम पे अपन ने कोई बहुत बड़ा नहीं लिया है ना, कि पाँच छः पॉइंट ले लिए, सात पॉइंट ले लिया, अभी इतना बड़ा पेज नहीं है मेरे पास में, ठीक है। सो अभी बस सिंपल है कि भाई चार पॉइंट लेके बताया, आप पाँच के लिए भी लेके देख लेना, छः के लिए भी लेके देख लेना, आपकी इच्छा है ना, पर आंसर इसी तरीके से आता है, और इसका रिप्रेजेंटेशन भी बहुत ईजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। देखो आपको करना क्या होता है, आपको ऐसी दो लाइन खींचना होती है ना। अब आप जिस भी पॉइंट से लेना चाहते हो वहां पॉइंट से चलोगे और एंटी क्लॉकवाइज लोगे, कहने का मतलब ये चार पॉइंट कैसे लोकेट है, ये लोकेट किस डायरेक्शन में चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब कि ये अगर ए है तो ये बी होगा, ये सी होगा और ये डी होगा, आपको सबसे पहले ये एश्योर करना है। तो जनरली क्वेश्चन में गिवन होता है, जनरली क्वेश्चन में वो बोल देता है अपनी तरफ से कि भैया जो मेरे पॉइंट्स है ना आर टेकन इन ऑर्डर, मतलब कि वो ऑर्डर्ड है, मतलब ऑर्डर्ड है मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है मेंशन, तो आपको एक बार वेरीफाई कर लेना चाहिए। आप वेरीफाई करने के लिए क्या कर सकते हो, आप अपने वो बनाओ, एक्सिस बनाओ और पॉइंट प्लॉट करके देख लो, रफली प्लॉट करके देख लो, ऐसा नहीं स्केल से करने बैठ रहा है बीच में, है ना, रफली प्लॉट करके देख लो, और आप ये सोच लो कि ए इधर आ रहा है, बी इधर आ रहा है, सी इधर आ रहा है, डी इधर आ रहा है, तो ए बी सी डी ऐसे ही होंगे,
अभी ऐसा आ गया, ए इधर आ गया, बी इधर आ गया, और फिर सी इधर आ गया और डी इधर आ गया। तो अभी ज्वाइन करोगे ए बी सी डी, तो अभी ये बना ही नहीं। ये डी से अगर ए को ज्वाइन करे तो क्वाड्रिलेटरल ही नहीं बना, तो दिक्कत हो जाएगी ना फिर। इसलिए आपको एक बार अरेंज कर, अभी इस केस में क्या करोगे आप, ए लिया बी लिया तो सी मत लेना उसके बाद, उसके बाद में डी ले लेना, ए बी डी सी, तो आपका क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा, और वो भी एंटी क्लॉकवाइज सेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज लेना है, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद अगर आप ए से स्टार्ट कर रहे हो तो कोऑर्डिनेट रखना चालू करो, एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू, एक्स थ्री वाई थ्री, एक्स फोर वाई फोर, है ना। इतना लिखने के बाद में पहला कोऑर्डिनेट वापस से लिख देते हैं, है ना। और उसको लिखने का सिंपल सा रीजन है भैया, आप जब भी क्वाड्रेटर बनाते हो तो ए से बी, बी से सी, है ना, और सी से डी, और फिर डी से वापस ए को भी तो ज्वाइन करते हो ना, वापस से ए को भी ज्वाइन करते हो, तो इसलिए वो उस तरीके से है, ठीक है ना। तो ऐसा करने के बाद में अब मैं क्या करता हूँ कि मल्टीप्लीकेशन करता हूँ, किसका, एक्स वन का वाई टू से, एक्स टू का वाई थ्री से, एक्स थ्री का वाई फोर से, और एक्स फोर का वाई वन से। इनको मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे लिखा, तो ये क्या आएगा, वन बाई टू तो रहता ही है बाहर, मॉड रहता है। फिर उसके बाद ब्रैकेट में क्या है, एक्स वन वाई टू, एक्स टू वाई थ्री, एक्स थ्री वाई फोर और एक्स फोर वाई वन, ये अपना हो गया। उसके बाद में माइनस साइन, उसके बाद में माइनस साइन, ठीक है, माइनस साइन नहीं भूलना, ठीक है। उसके बाद में क्या, इधर से वाई वन एक्स टू, वाई टू एक्स थ्री, वाई थ्री एक्स फोर और वाई फोर एक्स वन। सो ये क्या आ गया मेरा, वाई वन एक्स टू, वाई टू एक्स थ्री, वाई थ्री एक्स फोर, ठीक है, देखते चलना भैया, कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहे अपन, और वाई फोर एक्स वन, ये होता है अपना एरिया, है ना। तो ये एक्चुअली इसी को मैं, आप थोड़ा बहुत कॉमन वॉमन सॉल्व करोगे ना, तो जो पिछला वाला था ना स्टैंडर्ड फॉर्मूला, बिल्कुल वैसा का वैसे याद आएगा, ठीक है। सो ये है आपकी स्टेयर्स मेथड, कोई टिपिकल नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी है। आपको ऐसा लिखना है सिस्टमेटिकली, भूलना क्या नहीं है कि नीचे वापस एक और बार लिखना होता है ना, और ये आपका फॉर्मूला आता है। अभी ये क्या आपके एग्जाम में एप्लीकेबल है, बेटा कंपटीशन में ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन कन्वेंशनल मेथड में, मतलब 9th और 10th में अगर आप हो तो ये स्टेयर्स मेथड से थोड़ा सा दूर रहना, कोशिश करना अगर स्टेयर्स मेथड एनसीईआरटी में दी है तो अप्लाई करना, अदरवाइज एरिया ऑफ ट्राइंगल से ही जाना, ठीक है ना। चार पॉइंट भी दिए हों तो आप तीन तीन करके बना देना, पर जाना उससे ही, नंबर उसी से ही मिलते हैं क्योंकि, ठीक है ना। तो इसलिए उस हिसाब से थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है बेटा। सो ये आपकी स्टेयर्स मेथड है, ठीक है, होपफुली इतना समझ में आया आपको। ये अपना एरिया से रिलेटेड हो गया, है ना। अभी इसके बाद में कुछ और बचा हो तो वो भी देखेंगे, ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट टाइम के लिए जय हिंद।